नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसब पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों से आप लोगों को करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो पिछले 4 दिनों के सभी प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक, इसमें 9 से 12 जून तक के लगभग 40 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि आपके पिछले 4 दिनों से जो वीडियो नहीं मिला है उन सभी प्रश्नों को कवर कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करें, चैनल पर जो भी मित्र नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय परिसर में थैंक्स माम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किस राज्य ने अपनी खाद्य वन परियोजना लागू की? तो इसका सही जवाब है केरल ने। ठीक, आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 6 जून। चौथा प्रश्न कह रहा है, महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक, आइए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? रैंक भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका सही जवाब है अक्षय कुमार। आइए छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में जून 2022 के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक दिशा निर्देश जारी किया? तो इसका सही जवाब है चीन ने। ठीक, आइए सातवें प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी? इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक, आइए आठवें प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जून 2020 के दौरान विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष जिम्नास्ट कुर्क थॉमस का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध अमेरिका से था। ठीक, आइए नौवें प्रश्न पर चलते हैं। नौवां प्रश्न है आपका, बिजली मंत्री आर के सिंह ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है आई कमिट। ठीक, चलिए दसवें प्रश्न पर चलते हैं। दसवां प्रश्न कह रहा है, गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में व्यक्तियों एवं उद्योगों तथा व्यवसायों की सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की? ठीक, तो इसका सही जवाब है 14,000 करोड़ रुपए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं ग्यारहवें प्रश्न पर। ग्यारहवा प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में एक आंकड़ों के मुताबिक यह पाया गया कि अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में 750 बाघों की मौत हुई है, जिनमें सबसे ज़्यादा दुर्घटना प्रभावित राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश सरकार। ठीक, आइए बारहवें प्रश्न पर चलते हैं। तो बारहवां प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक दी ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रांस दी प्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ल्यूक कार्टिन्हो। ठीक, चलिए तेरहवें प्रश्न पर चलते हैं। तेरहवां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जून 2020 के दौरान जारी विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर जहां वर्ष 2019-20 में 4.2% रही, वहीं 2020-21 में कितने फीसदी रहने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है 3.2%। ठीक, आइए चौदहवें प्रश्न पर चलते हैं।
14वां प्रश्न कह रहा है आपका, 7 जून 2022 को, 7 जून 2020 सॉरी 7 जून 2020 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या रहा? तो इसका थीम क्या था? खाद्य सुरक्षा सभी का अधिकार। ठीक, आइए 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने की अपनी अनुमति प्रदान की। अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट अपने किस नए नाम से जाना जाएगा? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16वां, क्या वर्ष 2020 में डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल फिशिंग मनाया गया? तो कब मनाया गया? 5 जून को। ठीक, 17वां प्रश्न क्या है, प्रत्येक वर्ष विश्व कीट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 6 जून को। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आज का, विश्व में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत अभी हाल ही में प्रभावित मरीजों की संख्या के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, 19वां प्रश्न, किस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्री श्रेणी में एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरफोर्स रिकॉग्निशन 2020 में उच्चतम प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद हवाई अड्डे को। ठीक, चलिए 20वें प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न आपको कह रहा है, कौन सा वैश्विक संगठन जनवरी 2021 में अपनी अगली वार्षिक दाओस बैठक के लिए द ग्रेट रिसेट की थीम के साथ नया ट्विन समिट प्रारूप अपनाएगा? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 21वें प्रश्न पर चलिए, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आइए 22वें प्रश्न पर चलते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 जून को। ठीक, 23वां प्रश्न, हाल ही में जून 2020 के दौरान येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों की लिस्ट में किस स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है 168वें स्थान पर। 24वां प्रश्न, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक सहित पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के सभी प्रवेशों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बिल्कुल मुक्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब है असम। आइए 25वें प्रश्न पर चलते हैं, 25वां प्रश्न कह रहा है, हमारे दैनिक जीवन में महासागरों की भूमिका के महत्व के बारे में सभी लोगों को याद दिलाने के उद्देश्य से विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 जून को। आइए 26वें प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने COVID-19 के लिए एक कम लागत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है जो लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकती है? तो इसका सही जवाब है IIT हैदराबाद। आइए 27वें प्रश्न पर चलते हैं, हाल ही में जून 2020 के दौरान राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है रोमानिया। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगेगा? तो इसका सही जवाब है 21 जून को। ठीक, आइए 29वें प्रश्न पर चलते हैं, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा किसे गुडविल अम्बेसडर फॉर दी पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है एम निथरा। 30वां प्रश्न, हाल ही में जून 2020 के दौरान येल यूनिवर्सिटी द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया जिसमें 180 देशों की सूची में शीर्ष स्थान किस देश को मिला?
तो शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है। 31वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में जून 2020 के दौरान अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है 25%। आइए 32वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में एक आंकड़ों में यह पाया गया कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा का रिजर्व, आने वाले कुछ हफ्तों में 500 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार कर सकता है, जो कि वर्तमान में 493 डॉलर है। फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 3रा स्थान। आइए 33वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जून 2020 के दौरान किस वैश्विक संस्था ने मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला को कोरोना महामारी से लड़ने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से 59.4 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ठीक, आइए 34वें प्रश्न पे चलते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने हाल ही में जून 2020 के दौरान सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करके कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है। तो इसका नाम क्या है? अनन्या, ANNYA। ठीक, 35वां प्रश्न, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 जून को। ठीक, 36वां प्रश्न, हाल ही में जून 2020 के दौरान राजनयिक मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारत की अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। आइए 37वें प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में जून 2020 के दौरान विश्व बैंक ने कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो इसका सही जवाब है 1950 करोड़। ठीक, आइए 38वें नंबर पर चलते हैं। 38वां प्रश्न है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 39वें प्रश्न पर चलेंगे अब हम लोग। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 माह के भीतर कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो इसका सही जवाब है 11,540 करोड़ रुपए। ठीक, आइए 40वां प्रश्न। तो 40वां प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट तथा परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है 30 सितंबर 2020 तक। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो 4 दिनों का छूटा था, सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इसी नाम से है जिस नाम से आपका YouTube चैनल है, शिव सर PCS क्लास चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।